गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आइए फिर रेड से बहुत ही धमाकेदार बहुत ही फाड़ वीडियो। सो गाइस आज के जो वीडियो के रिएक्शन है बहुत ही फाड़ आने वाले हैं, प्योर मतलब गोल्ड डिगर दिखी है मुझे एक, तो आप चलकर वीडियो को देखो, मैं मिलती हूँ वीडियो के बाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। हाय रिट्स, आशिमा नाम तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा, भगवान करे जैसा तुम्हारा नाम अच्छा ना, वैसे तुम्हारा नेचर भी काफ़ी अच्छा हो, थोड़ा सा एडजस्टेबल हो तुम। अच्छा मेरा नाम ब्रिट्स है, और तुम एक बात बताओ, यहाँ पे तुम नहीं हो क्या? नहीं मैं यहीं की रहने वाली हूँ। यहीं पे अकेले बैठ के किससे बात कर रही हो व्हाट्सएप पे बंदा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा कुछ है, हमें बता दो थोड़ा सा। नहीं देखो बताओ, बट तुम मतलब मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। हाँ तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। सो मतलब तुम मेरे से कुछ भी ऐसे कैसे पूछ सकती हो? यार एक बात बताओ, कोई अननोन बंदा आके सामने वाले से बात नहीं कर सकता, माना हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम बात नहीं कर सकते। हाँ नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बोला। लड़कियाँ तो आज के टाइम में इतनी अच्छी होती है, हर चीज़ के लिए मान जाती है यार। हाँ ये बात तो है, बट स्टिल मैं क्यों मानूँ? क्यों मानो? अच्छा यार, अच्छा मैं ना तुम्हें एक स्टोरी थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे ना दिल के बड़े करीब है वो स्टोरी। यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें जानती नहीं, दूसरी बात तो मेरी फ्रेंड नहीं हो, तीसरी बात तो मेरी गली मोहल्ले की रहने वाली नहीं। अब तुम बोलोगे तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरा भाई नहीं हो, तुम ये नहीं हो, ठीक है एग्री, मैं सारी बातों से एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक होता ना कि कोई मेरे को ना मेरा कोई दोस्त नहीं है यार, मैं नई शिफ्ट हुई हूँ इस एरिया में, लोकेशन नहीं है, कोई लड़की दोस्त नहीं है, कोई लड़का दोस्त नहीं है, वो है ना मुझे बड़ा अकेलापन सा महसूस हो रहा है, तो तुम दिखी तो मुझे लगा मुझे तुम्हें आगे ना अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए यार, मैं ना बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या मैं तुमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ? बताओ। अगर तुम सुन लोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बोलो। 36 बंगले देगा तुम्हें। ओके। कि तुमने किसी अकेलेपन का वो होता है ना कि खत्म किया किसी का अकेलापन किसी की बातों को सुन के, भगवान बन जाओगी तुम मेरे लिए अगर तुम सुन लोगे तो क्या मैं शेयर करूँ तुमसे यार? हाँ जी बोलिए। यार पता क्या है ना, आज ना मेरी बंदी की शादी हुई है 12 बजे। व्हाट किसकी? बंदी की। हाँ सीरियसली मेरी बंदी थी और थी मतलब कल तक, लेकिन आज उसकी शादी हुई है 12 बजे। अच्छा ठीक है, और 11:05 में मेरा ब्रेकअप हो गया उससे। मतलब बंदी इट मींस योर गर्लफ्रेंड? हाँ माय गर्लफ्रेंड। ओके मींस मैं लेस्बियन हूँ ये बता देती तुम्हें। Okay. यही तो प्रॉब्लम है जो तुमसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे बंदियाँ नहीं मिल रही है। तो मतलब तुम मुझसे शेयर कर रही हो, मुझे कह रही हो कि मुझे बंदियां नहीं मिल रही। नहीं मैं तुमसे सॉल्यूशन मांगना चाहती हूँ एक चीज़ का, तुम लड़की हो तो तुम समझ सकती हो है ना, तो बात यह है कि आज मेरा 11:05 पे ना ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और 12 बजे मेरी बंदी की शादी थी, ठीक है, अब हमारा कनेक्शन बिल्कुल हो गया कट, काटा लग गया बिल्कुल क्रॉस, ठीक है, तो यार मैं ना बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे उससे बाहर आने के लिए ना थोड़ा सुकून चाहिए, और सुकून कैसे मिलता है, कोई अच्छा हम सफ़र, कोई अच्छा साथी साथ बैठ के मिलने वाला तो हमारी। तुझे मेरे अंदर मतलब क्या हम सफ़र नज़र आ रहा है? यार हम सफ़र तो नहीं, लेकिन ऐसा एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है तुम्हें देख के, जब मैं यहाँ से गई ना पास से, तो एक ना वो होता है ना कि अपनेपन वाला एहसास वो तुम्हारे पास से आया, मुझे आई और ऐसे मेरे पास से गई और तुम्हें मेरे अंदर से एहसास आ गया। हाँ एहसास आया कि तुम ही वही हो जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही आपसे। तुम लेस्बियन हो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है जो भी है। दूसरी बात तुम्हारी बंदी का शादी हुई है जो भी हुआ, देखो इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सुकून तो दे सकती हूँ, थोड़ा डिप्रेशन से वो मैं बताऊंगी ना, वो ट्विस्ट है कि तुम मुझे ऐसा क्या दे सकती हो जिससे कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ, अब मैं वो तुम्हें बताऊंगी ना। तुम्हारे माइंड में स्क्रिप्टेड है कि तुम मुझे पहले ये बोलोगी फिर ये बोलोगी? नहीं यार तुम ट्विस्ट लाओगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि यार अभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे बाहर आने के लिए कोई ऐसा एक अच्छी लड़की दोस्त चाहिए, लड़के नहीं चाहिए, लड़के तो बहुत है 36 लाइन में, लेकिन लड़की चाहिए क्योंकि मेरा बंदियों में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मेरा बंदियों में है। प्लीज तो थोड़ा दूर है। तो बात ऐसी है यार कि ना मुझे ना, मैं ना डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे ना उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सुकून चाहिए, और सुकून मुझे कैसे मिलता है, मेरा नाम रिट्स है, तो रिट्स को सुकून कहाँ मिलता है, एक चुम्मे में होता है ना, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तो मुझे उसमें सुकून मिलेगा। और तुम्हारे बंदे का भी फोन आ रहा है, देखो हद है यार, कोई बात नहीं बाद में बात कर लेना, भगवान भला करेगा, 36 बंगले देगा अगर तुम मेरी बात सुनोगे, एक बंगला भी मुझे मिल जाए ना, 36 मिलेंगे, मतलब तुम बंगले के लिए कुछ भी करोगी। अरे मीन कि मैं बंगले के लिए कुछ भी करूंगी, तुम कह रही हो ना कि 36 बंगले देगा भगवान, अभी तो देखो भगवान ने मुझे एक भी बंगला नहीं दिया, पर देगा ना यार अगर तुम मुझे एक छोटी सी अच्छा मूंछ, दिमाग खराब है, किस कर दोगे ना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड सीरियसली, मेरा तुम्हें किस विश
कुछ भी करने का कोई इरादा यार, अगर तुम ऐसे करोगे ना मेरा दिल टूट जाएगा। और मेरा दिल बड़ा नाजुक है यार, वैसे बहुत लोगों ने तोड़ा है और आप तुमने तोड़ दिया ना, सीरियसली मतलब मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। और कुछ नहीं पता, मैं जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, कुछ नहीं कर सकती मैं, कहीं छत वत से कूद जाऊं, फांसी लगा लूं। ये जो है ना कि मैं जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, इट्स नॉट द वे। तुम जाके ऐसे भी किसी के लिए भी ना अपनी लाइफ खत्म नहीं कर सकती। बट यार उसकी शादी हो गई ना, मैं डिप्रेशन में हूँ। तुम अगर एक छोटा सा चुम्मा दे दोगी, छोटा सा चुम्मा दे दोगी और मैं डिप्रेशन से बाहर आती हूँ, मेरी जिंदगी अपने सफर कैसा। तुम्हें एक आगे छोटे से किस हुई और तुम तुरंत मतलब डिप्रेशन। अगर तुम मुझे एक छोटी सी किस दे दोगे ना, सीरियसली मैं अपना नेचर बता रही हूँ, तो मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊंगी। तुम किसी की जिंदगी बचा लोगी। मैं ऐसे कैसे जिंदगी बचा लूंगी, सफल हो जाएगी मेरी जिंदगी। ऑक्सीजन होना तो मेरे लिए यहाँ से गई, तभी तो फील हुआ कि ऑक्सीजन हो तुम मेरे लिए। अब तुम यार किसी की जिंदगी, किसी की लाइफ सेव करने के लिए तुम्हें किसी को छोटा सा किस भी नहीं कर सकती यार। अच्छा तुम नहीं करोगी ना, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर्स भी है, अच्छे अच्छे ऑफर्स है। लाइक अभी मैं बंगलों की बात कर रही थी ना, 36 बंगले मिलेंगे। बंगला फिलहाल ऑन द स्पॉट तो मैं तुम्हें बंगला दिला नहीं सकती फॉर श्योर। तो ऐसा कर सकती हूँ यार, मेरे पास ना तुम एक किस दे दोगी तो। ये मैंने अभी फोन लिया, iPhone 11 Pro। अच्छा ये तुम्हारा फोन है? ये देखो मेरा फोन है, ये वॉलपेपर भी मेरा लगा हुआ है, कल ही खरीदा है मैंने। और बिल समेत मैं तुम्हें इसे गिफ्ट कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास मुझे आईफोन 11 प्रो तुम मुझे गिफ्ट कर दोगे। हाँ सिर्फ एक किस के लिए, किस के लिए, सिर्फ एक छोटी सी किस के लिए। और अगर तुम इससे भी कन्विंस नहीं होती ना, तो ये एप्पल की वॉच भी मैंने कल ही लिया यार। मुझे वॉच नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आईफोन 11 प्रो में चल जाएगा काम। मैं ये भी नहीं ले रही, मुझे तो मैं किसी नहीं करना है यार। अभी तो तुम बोल रही थी यार कि ठीक है 36 बंगले मिलेंगे तुम्हें, तुम खुश हो रही थी अभी, अब इतनी एक्साइटेड हो गई थी, अब तुम एकदम मना कर रही हो, मेरा दिल टूट जाएगा यार। समझो ना, किसी की जिंदगी को सफल करने के लिए, किसी की जिंदगी तुम बचा रही हो, अगर तुम कर लोगी इतनी सी किस कर लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यार। तुम एक किस पे मुझे फोन दे दो, मैं तुम्हें 11 प्रो दे रही हूँ, मैंने कल ही लिया। और इसका बिल भी है देखो, मैं फोन में, मेरे पास दूसरा फोन भी है, देख रही हो, मतलब मैं बहुत अमीर रोंडिया हूँ यार। ये देखो बिल, ये मैंने कल ही तो खरीदा है, और ये वॉच भी तो मैंने आज ही खरीदी है, कनेक्ट है इससे। तो फिर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन बात यह कि तुम्हें देख के मुझे एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि होता है ना कि तुम ही हो सब कुछ, मतलब एक किस्से के दोनों चीजें मेरी, मतलब तू मेरी दुनिया है यार, बस ये लगा ले तू। मैं ये आईफोन 11 प्रो और ये वॉच, ये तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया यार, ये लगा लो कि प्यार ही हो गया। और सामने फ्लैट है, अगर तुम चाहो तो चल भी सकते हैं। और मुझे ना फ्लैट पे, हाँ मेरे पास एक ऐसी निंजा टेक्निक है ना जिससे मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तुम्हारा बंदो से लड़कों से तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, पता तुम्हें, मतलब मेरे में ऐसे गट्स है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लड़की होके मैं बता रही हूँ तुम्हें, लड़की हो तुम तो ऐसी चीज़ें हैं ना मेरे पास कि मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें ज़िंदगी का। और लड़का क्या होता है, लड़के का ये वो तुम सब भूल जाओगी, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलना नहीं चाहती, बट मैं तुम्हें बस कन्वेंस करना चाहती हूँ कि तुम एक किस के लिए मान जाओ, मतलब एक किस पे तुम मुझे अपना फ़ोन और अपनी वॉच मैं दोनों गिफ्ट कर दूँगी, और तुम मुझे अपने घर भी लेके जाओ। हाँ और सामने ना जैगवार खड़ी है, देखो वो सामने दिख रही है, वो मेरी ही है, मतलब वो तुम्हारी, हाँ मेरी है, बस चाबी फ्लैट पे है। और फ्लैट भी मेरा अभी मैंने लिया 25 करोड़ का, और मेरे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा में मेरे 25 किले हैं, तो मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, लोंडिया बहुत ज़्यादा अमीर है, ऐसी बात है। और तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी और सेटिस्फाई रहोगी। अच्छा। अब मेंटली तो तुम पैसों से सेटिस्फाई हो ही जाओगी, देखो हर चीज़ है मेरे पास। और फिजिकली तो तुम बात ही ना करो, टेक्निक्स वाली बात बताई दी मैंने तुम्हें, निंजा टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स है कि बस तुम्हें ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, जन्नत का मजा तुम्हें मैं दूंगी। तुम लड़के क्या लड़का, मतलब तुम सब भूल जाओगी। मतलब अभी मैं फिलहाल थोड़ी सदमे में हूँ, मुझे ये लग रहा है कि तुम सच में बैठी हो। हाँ मैं सच में बैठी हूँ तुम्हारे सामने, फूलू मैं यार, देखो ना यार ऐसे भी मत हो यार, मुझे फीलिंग आ जाएगी, तुम्हें तो पता ही है यार मैं लेस्बियन हूँ यार, और फिर तुम ऐसे ऐसे फील दिला रही हो। देखा कहीं तुम्हें ऐसा हो कि तुम्हें पकड़ के मैं ले जाऊँ अपने फ्लैट पे और पता नहीं क्या से क्या कर दूँ। तो वही है ना, पैसा ही पावर है, मानती हो ना इस चीज़ को? हाँ। तो यार तो तुम ये रख लो और ये रख लो, अगर तुम यार अब देखो इतनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना कि कितनी देर से मैंने अपने आप पे काबू पा रखा है कि यार वेट, लेकिन अब वो ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि बस अब रुका नहीं जा रहा, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती यार खुद पे। सो किस आईफोन और वॉच तुम्हारे हाथ में है, वो तुम वहाँ रख लो, मैं वापस नहीं लूँगी तुमसे, कन्फर्म है ये, ठीक है। बट एक छोटी सी किस दे दोगी तो ये लगा लो तुम्हारी ज़िंदगी भी बन जाएगी, पैसों में मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, बॉडी में फिजिकली है ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है यार, किस कर दोगे ना एक छोटी सी, मेरी ज़िंदगी सफल होती है तो तुम्हें पैसा मिल रहा तो क्या चाहिए। अगर किस एक्सटेंड हो गई तो यार देखो वो तो फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, अगर बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कर लोगी तो लाइफ सेव कर लोगे यार किसी की। और भगवान तुम्हें 36 बंगले वैसे दे देगा, वो भगवान तो भगवान ने मुझे तो बोला था ये मैसेज देने को, क्योंकि मैं दिलाऊंगी ना तुम्हें 36 बंगले, कह दिया ना 36, ये लगा लो 105 किले तो मेरे हरियाणा में है, इतनी अमीर हूँ मैं।
जैगवर मेरे सामने है, सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में दे दिया, मैंने ये वाला फ़ोन कहो तो ये भी रख लो, मुझे तो सिर्फ तुमसे बात करनी है और कुछ नहीं करना, मतलब तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मोहब्बत हो तुम मेरी आज से तो तुम मैं किस कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैंने वो भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, वहाँ रखो ना इसे, फीलिंग्स अच्छे से आनी चाहिए एकदम कि लगे यार शर्मा क्यों रही हो यार। सीरियसली यार आज तक मुझे किसी लड़की के साथ ऐसी फीलिंग्स नहीं आई जो तुम्हारे साथ आई, और मतलब अगर तुम चाहो तो फ्लैट है सामने वहाँ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाऊँ मैं, नंबर तो दे दो फिर अपना बात भी करेंगे ना, अब तो हमारा सीन चलता ही रहेगा आगे, फर्स्ट मीटिंग में किस दिन आगे क्या क्या। थैंक यू सो मच, तो जाऊँ मैं, बाय, आई लव यू, बाय बाय। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम फिर से आ गई? तुम फोन वोन लेके रफा दफा है? तो कहाँ रफा दफा यार, मैं तो मजाक कर रही थी एक छोटा यार, सा हद है ऐसे थोड़ी हो, मेरा ना YouTube पे चैनल है, छोटा सा प्रैंक कर रही थी, मतलब सबने के सब मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है कि मेरा YouTube पे चैनल है, देखो वहाँ पे कैमरा लगा, देखो भाई कैमरा लगा हुआ है वो सामने, और ये कैमरा मैं और ये फोन वोन नहीं, नहीं नहीं ये फोन और वॉच मेरी है, शर्म नहीं आती गोल्ड डिगर, ऐसे तो मत किया करो, शर्म नहीं आती। हाँ क्या सुनो, गोल्ड डिगर नहीं हूँ, गोल्ड डिगर है तभी तो तूने फोन ले लिया। अब एक बात बता, तुम बैठ के अप्रोच करे जा रही हो, मैं क्यों यहाँ करूँ, तुम मतलब क्यों नहीं यहाँ करोगी? अब मैं तुम्हें आके बोलू, आईफोन 11 प्रो के लिए इस बंदी ने और वॉच के लिए हाँ कर दी, किसके लिए? तू लड़का नहीं है, हाँ। मैं लड़की हूँ, तो लड़की में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता फिर लड़के को मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, शर्म आनी चाहिए, गोल्ड डिगर ऐसे मत करो यार, दिल टूट गया यार, अच्छा यूट्यूब पे चैनल है वो सामने, आई एम सेइंग लड़का होता तो मुझे बहुत दिक्कत होती, वो दिक्कत होती, लड़की में कोई दिक्कत नहीं, कर दो फिर यूट्यूब पे अपलोड, दिखा दो तुम्हें गोल्ड डिगर की, सच में लड़की ऐसी ही होती है, गोल्ड डिगर नहीं, बता देना वो तो कमेंट करके, गोल्ड डिगर कौन है कौन नहीं है, आईफोन वॉच के लिए भाई किस कर ली बंदी ने, देख लो ठीक है, कमेंट करके बताना जरूर, तो अपलोड कर दो ना पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बाद में सीन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा बंद होने के बाद कर दूँ अपलोड पक्का, डेफिनेटली, बाय, नाइस टू मीट यू, मेरा ये शर्म कर लो थोड़ी बेशर्म। सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे प्रोफाइल चल ही रहा होगा, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्रैंक के आइडियाज़ और बाकी अच्छे से वीडियोज आते रहेगी, लव यूर।